गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो रूरू बेबी उठ चुके हैं। रूरू बेबी ने ब्रेकफास्ट कर लिया है। रूरू बेबी ब्रेकफास्ट में जनरली केला और दही खाती है या फिर कुछ भी फ्रूट हम इसे देते हैं सुबह सुबह, थोड़ा पानी पिलाने के बाद, थोड़ा खेलने के बाद ये एक फ्रूट खाती है। तो बस यही इसका सिंपल सा मॉर्निंग रूटीन है। ये उठती है, थोड़ी बहुत अंगड़ाइयाँ लेती है, फिर मैं इसे फीड कराती हूँ थोड़ा सा, फिर इसका मूड अच्छा हो जाता है, एक दो गाना भी सुन लेती है। और फिर महारानी ने कल देखो क्या करा, इन्होंने अपने गाल पे चोट लगवा लिया। बदमाशियों में अपनी बदमाशियों में चोट लगवा ली है कल। बैड गर्ल निंजा टेक्निक मामा को बनाने की, ये घुस जाओ मम्मा के अंदर ही। तो आज की मॉर्निंग काफी अच्छी शुरू हुई। हमने योगा से स्टार्ट किया, फिर हम छत पे गए थोड़ा सा घूमने वाइटामिन डी लेने, और अभी हमारा बच्चे ने उठ के ब्रेकफास्ट भी कर लिया है, और अब जल्दी से मम्मा जूस बना दे डिटॉक्स वाला। चलो चलो चलो। तो रूरू किचन के सामान से अब खेलती है, इसको जो भी किचन का सामान मिल जाए सब वहां से उठा कर ले आती है और सारे घर में फैला देती है, और अपने खिलौनों को सिर्फ पटकती है इधर से उधर, मैं इकट्ठे करके रखूंगी तो उन्हें फेंक देगी, बस बाकी घर के सामान से उसने खेलना है। और अभी हमने कमरा बंद किया हुआ है क्योंकि अंदर हुई है अभी पूजा, मम्मी ने पूजा कर दी है, यहाँ पे दिया जला हुआ है, क्योंकि रूरू क्या करती है गेट खोल के अंदर आ जाती है मंदिर में, तो इसलिए वो वाला गेट हमें बंद रखना पड़ता है रूरू की वजह से। चलो भाई पूजा तो हो गई, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज दाल। दाल मैं अभी धो रही हूँ और साथ में मैं इसमें 3 आलू भी डालूंगी। आज हम जल्दी से 30 मिनट में एक थाली तैयार करेंगे, वेरी इजी टू मेक। तो मैंने आलू और दाल को अच्छे से धो के पानी डाल के इसमें हल्दी डाल दी है, नमक डाल दिया है, और अब हम इसे पानी डाल के हल्का सा और एक्स्ट्रा अब इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। और उसके बाद मैं साइड बाई साइड यहाँ पर प्याज लहसुन टमाटर और हरी मिर्च काट रही हूँ दोनों सब्जियों के लिए। और उसके बाद मैं यहाँ पर तेल डाल रही हूँ, जीरा डाल दिया है मैंने, ऊपर से मैंने थोड़ी सी सौंफ भी डाली है, और ऊपर से इसमें प्याज और लहसुन कटा हुआ बारीक डाल दिया है। तो जितनी देर में मेरी यहाँ पर प्याज लहसुन भुनेंगे इतनी देर में मैंने यहाँ पर चावल भिगो दिए हैं, और अब मैं इसमें मेरी प्याज लहसुन भुन चुकी है, उसमें मैं डाल रही हूँ मिर्ची, धनिया, हल्दी, सिंपल मसाले जो मैं जनरली डालती हूँ, उसे मैंने अच्छे से चला दिया है। यहाँ पर हल्का सा पानी भी ऐड कर दिया है इसमें। अब मैं इसमें डालूंगी कटा हुआ टमाटर जो कि मैंने ऑलरेडी काट लिया था पहले ही, टमाटर और हरी मिर्च डाल दिया है। हमारी दाल भी उबल चुकी है, अलग रख दी है मैंने। अब हम तड़का लगाएंगे अपनी आलू की सब्ज़ी में। मैंने तेल डाला है यहाँ पर, थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, हींग डाल दिया है, ऊपर से कटी हुई प्याज और लहसुन डाल दिया है, सब मैंने साथ में ही काट लिया तो जल्दी सब्जी बन जाती है एकदम से। फिर मैंने इसमें सूखे मसाले डाल दिए हैं सिंपल, जो कि हमने दाल में डाले थे सेम वही। और उसके बाद मैं यहाँ पर हल्का सा पानी डाल के इसे भून रही हूँ, इसमें अभी टमाटर नहीं डलेगा, और मैंने ऊपर से यहाँ पर दाल को चला दिया है, और साथ में डाल रही हूँ यहाँ पर कटे हुए शिमला मिर्च। तो मैंने लगभग 3 शिमला मिर्च लिए हैं यहाँ पर, और उसको मैंने अच्छे से यहाँ पर सौते कर लिया है। अब हमें शिमला मिर्च पकानी है क्योंकि आलू हमारे ऑलरेडी बॉयल हो चुके हैं, तो शिमला मिर्च को पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैंने हल्का सा पानी डाल के ढक के इसको यहाँ पर पका लिया है। हल्का सा सॉल्ट भी मिला दिया जिससे कि हमारी शिमला मिर्च जल्दी से पक जाए। तो जब तक हमारी शिमला मिर्च पक रही है तब तक मैं अपनी दाल रेडी कर लूँगी, इसे छोड़ दिया है मैंने ढक के। तो दाल का मसाला हमारा बन चुका है, टमाटर भुन चुके हैं, और ये हमारी दाल एकदम मस्त उबली है। मैंने इसमें एक सीटी लगवाई थी, और ऊपर से मैंने इसमें डाल दिया है यहाँ पर गरम मसाला और थोड़ा सा कड़ी पत्ता। और यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च देखा कि वो हो गई थी, लगभग 5 मिनट लगी मुझे, और आलू भी मैंने इसमें काट के डाल दिए हैं छील के, और एकदम परफेक्ट सब्ज़ी बनती है। आप शिमला मिर्च इस तरीके से बना के देखना, आपको शिमला मिर्च ज़्यादा अच्छी लगेगी क्योंकि कुकर में शिमला मिर्च बहुत ज़्यादा पक जाती है। तो मैंने एक टमाटर काट के डाल दिया, उसको ढक दिया यहाँ पे 5 मिनट के लिए। अब मैंने चावल में पानी डाल के उबलने के लिए रख दिया है, साथ में मैंने आटा भी मांड दिया है यहाँ पे। इतनी देर में मेरे चावल में उबाल आया तो मैंने साइड में रायता बना लिया सिंपल। मैंने इसमें पुदीना डाला है सूखा हुआ, और सैलड काट लिया यहाँ पे, और काला नमक डाल दिया था इस रायते में। सो जा मम्मी मेरी, सो जा प्यारी मम्मी, सो जा सुला सुला, सो जा प्यारी मम्मी, सो जा मैं नहीं सोऊंगा तू सो जा। सो जा री मम्मी मेरी, सो जा। चुला दो ना मुझे बेबी। नहीं सोई मम्मी? हैं? कौन कर देगा मम्मी को? मम्मी क्या आंखें मारती तुम? मार दिया। शेर! कौन जा रहा है? कौन जा रहा है शेरा? अपनी जो बॉडी फ्लॉन्ट करते हुए घूम रहे हो पूरे घर में, टी शर्ट उतार के वो भी दिखा दो कैमरा को। क्या देखो? मैं टी शर्ट पहन रहा हूँ। पापा के फैमिली पैक देखो रुरु। फैमिली पैक हो या सिक्स पैक कोई फर्क नहीं पड़ता, पापा अमर हैं अमर रहेंगे। ये करियो देख ले, अमर हैं अमर रहेंगे। ये कायनात गवाह है इस चीज की। रुरु कर दो ऐसे। अच्छा
यहाँ गिर जाओगे। चलो उधर मम्मा के पास जाओ। तो अभी मैं और रूरू नहाने जाने वाले थे। अच्छा, उससे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ, मैंने रूरू के लिए बहुत ही क्यूट सा टॉप और ये मंगाया है और ये आज मैं पहनने वाली हूँ। आगे महाराज, मम्मा और रूरू नहाने जाने वाले थे और पापा वॉशरूम में घुस गए, है ना रूरू? अब हम चले नहाए नहाए करने। चलो चलो, ये पन्नी ये क्या कर रहे हो, कर क्या रहे हो तुम? ये चलो कुछ तो सीखो, सीखो कर। अब निन्नी कहाँ चली गई तेरी? निन्नी कहाँ चली गई? निन्नी कहाँ चली गई? पीकाबू करो, पीकाबू करो, पीकाबू, पीकाबू, पीकाबू। हाँ रूरू चट्टे बावरा बच्चा, मुंह से बोल, चाट रही है। चाटू मर्ची चाटता है तू? ला देख, खा जाऊ पेट, खा जाऊ खा जाऊ। सो फाइनली आई हैव डिसाइडेड टू रिमूव दिस बिकॉज मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। आई एम सो बोर्ड ऑफ इट। और शायद उठ गई मेरी आवाज़ से, गॉड नो, प्लीज स्लीप बेबी, थैंक यू। तो मुझे अभी ये हटाना है यहाँ से। एंड द प्रॉब्लम इज कि ये मैंने ग्लू गन से चिपकाया था, अब मुझे थोड़े पर्स लगाने पड़ेंगे। बाय द वे दिस इज अ वॉल पेपर जो मैंने और दिवेश ने लगाया था इस पर खुद से, बट मैं ये हटा देती हूँ अभी। और दिवेश मुझे पता है आके मुझे डांटने वाला है, बट स्टिल I have to remove it क्योंकि अब मुझे कुछ और करना है इस वॉल पर। आई एम सो बोर्ड ऑफ इट यार, बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गया। चलो आई शुड गेट इट रिमूव नाउ। तो उतारने के बाद ही कुछ ऐसा लग रहा है, उस पर तीन ऊपर पेंट उतरने के निशान हो चुके हैं। वहाँ मुझे कुछ DIY करना पड़ेगा। एंड दैट्स हाउ द वॉल लुक्स लाइक नाउ। अब मुझे सोचना है कि मुझे यहाँ पर क्या बनाना है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। बट अब खुद देखो कितना कचरा निकाला है मैंने, और मेरे अंगूठे की बैंड बिछ के एकदम लाल हो गया उतारते उतारते, साइड से दुख भी रहा है। बट चलो कोई नहीं, करना तो था ही। अब देखते हैं इसमें क्या लगाने वाले हैं। उस निशान को ढकने के लिए मैंने सेंटर में तो ये बना दिया, बाकी साइड में अभी क्या बनाना है वो देखते हैं। चलो देख, जब भी कंप्लीट होगी ये तब मैं आपको ये वॉल दिखाई दूंगी, बट अभी मैं इस पर थोड़ा थोड़ा काम कर ही रही हूँ साथ साथ। तो मैंने ये मैच करके देख लिया, वो मैच करके देख लिया, बट मज़ा नहीं आ रहा उसमें। व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि मैं यही वाले यूज़ करती हूँ। आई थिंक ये इसकी वाइब से ज़्यादा मैच कर रहा है, थोड़ा बोहेमियन है और ये अच्छा लुक भी दे रहा है। चलो मैं पहले उन दोनों को कवर अप करती हूँ, फिर हम इसको लगा कर देखेंगे वहाँ पर। और अभी प्रिया भी आ गई है घर पे रहने के लिए, रूरू के साथ यहाँ पे खेल रही है। Very busy. हमारे एक्चुअली क्या होता है, मम्मी ने बताया कि जैसे अभी बाबा की डेथ हुई है तो त्योहार उठता है, तो लड़की घेवर लेके आती है, इसलिए मैं घेवर लेके इसलिए घेवर लेके आई है। और ये इस ताक में है कि मम्मी मम्मी भगवान जी खाएंगे नहीं, मम्मी नुकसान देता है, मम्मी कह रही मैं खा लूंगी। अरे भैया दीपक जल तो नहीं रहा था, मैं पुजारण बनूंगी।